सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इतने काबिल तो जरूर बनो कि मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखनी चाहिए। आज का पंचांग 20 दिसंबर 2020 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:22 से 5:41 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि, अभी यात्रा करने या नया कुछ पढ़ने की संभावना है। किसी चीज पर रिसर्च अभी आपको लुभा रही है। अध्यापक या सलाहकार की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लें। भाग्य आपके साथ है, शायद कोई अप्रत्याशित धन भी आपका इंतजार कर रहा है। आज आपको थोड़ी असंतुष्टि के साथ साथ अप्रसन्नता भी महसूस हो सकती है। आज आपको सही फैसले लेने की जरूरत है। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना है। विश्वास हुआ सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। दिन के शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने आएंगी, परंतु आप अपने आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। आज भले ही आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही होगी, फिर भी खुद के साथ सकारात्मक संवाद बनाकर आप अपने आत्मविश्वास को फिर से बढ़ा पाएंगी। आपके अंदर चल रही भावनात्मक उलझने किसी और के सामने प्रकट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मित्र परिवार के साथ बिताया वक्त आपको आनंद देगा। काम संबंधित बातों में डेडिकेशन बढ़ेगा। पार्टनर द्वारा आपको आनंद और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। सावधानियां, अनावश्यक खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। किसी सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन संबंधित पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जिनके साथ आप सिद्धांत और गुण रहस्य का चर्चा होने की संभावना है, रिश्ते में गलतफहमियों को जगह ना दें और प्यार का इजहार करते रहें। इससे आपकी चाहत आसमान को छुएगी। घर पर आप संकट को दूर करने में व्यस्त रहेंगी। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपको अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना है। आप दोनों एक दूसरे के दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सामना करते हैं। आपकी योजनाएं आपके जीवन साथी को अभी पसंद नहीं आएगी, किंतु जल्द ही वो आप पर विश्वास करेगा। आज का मंत्र यही है कि आशावादी बने। बात करते हैं करियर की। करियर में बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा, क्योंकि आज अच्छा भाग्य आपके साथ है। कानूनी मामले से अभी दूरी बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। दिमाग का प्रयोग करें और अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें।
आप सकारात्मक महसूस कर सकते हैं, किंतु याद रखें दुख भी जीवन का एक भाग है। स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लोग अभी आपका महत्व नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और विचारों से प्रभावित करना होगा। पॉजिटिव सोच, अच्छी संभावनाओं के बारे में जानें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी सेहत आज थोड़ी नाजुक रहेगी, पर चिंता की बात नहीं है। आप उन्हें जांच के लिए लेकर जाएं, उनकी सेहत ठीक रहेगी। आपको आज पूरी तरह से उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।